हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि धनबाद डिवीजन के अंतर्गत 21 जनवरी 2021 को JEE पोस्ट के लिए कंडक्ट कराए गए थे। इसमें टोटल हमारा 100 प्रश्न पूछे गए थे, 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें टोटल हमको 100 प्रश्न को जवाब देना था और इसके लिए टोटल 2 घंटे टाइम अलॉट किए गए थे और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 के लिए व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न में हमारा पूछा गया था व्हाट इज़ द पे लोड टू द टेयर रेशियो ऑफ बॉक्सन HL, यानी बॉक्सन HL के पे लोड तथा टेयर बेड का अनुपात कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 3.45 हो जाएगा। वहीं अगर इसकी पे लोड की बात करें हम, तो ए हमारा 71 होता है। वहीं अगर इसकी टेयर बेड की बात करें तो ए हमारा 20.6 होता है। वहीं इसकी जब रेशियो निकालते हैं तो 3.45 आता है। नेक्स्ट सेकेंड प्रश्न की बात करें अगर, व्हाट इज़ द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ BTPN टैंक वैगन, यानी BTPN टैंक वैगन की क्यूबिक क्षमता क्या है। तो इसका सही उत्तर हमारा 70.40 मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। वहीं नेक्स्ट थर्ड प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द कंडेमनेशन व्हील डायमीटर ऑफ BLC वैगन इन MM, यानी BLC वैगन के व्हील का कंडेमनेशन व्यास की क्या हमारा होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 780 mm हो जाएगा, जो कि हमारा कंडमन कंडीशन में व्हील डायमीटर होते हैं BLC की। वहीं न्यू की अगर बात करें तो BLC वैगन की हमारा 840 mm होते हैं। चौथे प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ BBZC वैगन, यानी BBZC वैगन का पिस्टन स्ट्रोक क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी यानी 70 ± 10 mm हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवे प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच के ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी यानी 640 mm हो जाएगा। वहीं अगर थिकनेस की बात करें यानी मोटाई की बात करें तो ये हमारा 110 mm होते हैं। वहीं इसकी थिकनेस की कंडमन की सीमा बात करें तो ये हमारा 96 mm पर हम इसको कंडमन कर देते हैं। वहीं ब्रेक डिस्क पर हमारा एक इस तरह का गैप बना होता है जिसे हम फिंस कहते हैं। ये हमारा इसलिए प्रोवाइड कराया जाता है ताकि जब गाड़ी चले तो इसमें कूलिंग की प्रोवाइड करवाया जा सके और इसको ब्रेक डिस्क को हल्के वेट के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट छठे प्रश्न की बात करें तो द ब्रेक डिस्क फिटेड ऑन द सेम एक्सल इन LHB कोचेज एट द डिस्टेंस इज, यानी LHB कोच में एक ही एक्सल पर ब्रेक डिस्क कितनी दूरी पर होते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी यानी 1030 mm हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न सातवें की बात करें द मैक्सिमम बफिंग स्टॉक ऑफ CVC इन LHB कोचेज, यानी LHB कोच में अधिकतम बफिंग स्टॉक कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए 80 mm हो जाएगा। इसके अलावा अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, तो आठवें प्रश्न यानी CDTS PLC हैविंग हाउ मैनी इनपुट एंड आउटपुट, यानी CDTS के PLC में कितने इनपुट तथा आउटपुट होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 8 हमारा इनपुट हो जाता है, वहीं 4 हमारा आउटपुट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम, नौवें प्रश्न की द विड्थ ऑफ फिएट बोगी, यानी फिएट बोगी की चौड़ाई कितनी होती है। तो इसकी सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए 3240 mm हो जाएगा। वहीं इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारा 3534 mm हो जाता है। वहीं इसके अलावा अगर वेट की बात करें बोगी की, तो LHB कोच में फिएट बोगी का वेट हमारा 6.92 टन हमारा होता है। नेक्स्ट अगर दसवें प्रश्न की बात करें तो ओवरऑल स्टॉक ऑफ योर डम्पर इन LHB कोचेज, यानी LHB कोच में योर डम्पर की कुल स्टॉक कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 380 mm हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें विथ रेस्पेक्ट टू किलोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ SS1 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 1 इन LHB कोचेज, यानी किस किलोमीटर के अनुसार LHB कोच का सॉफ्ट शेड्यूल 1 कितनी अवधि पर होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन हमारा 600,000 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इस अगर टाइम पीरियड की बात की जाती तो ये हमारा 18 मंथ या 1.5 साल पर की जाती है, यानी 1.5 ईयर पर कंडक्ट होते हैं। वहीं SS2 की बात करें तो SS2 हमारा 1,200,000 किलोमीटर या 36 मंथ पर किए जाते हैं। वहीं अगर SS3 की बात करें तो SS3 हमारा 2,400,000 किलोमीटर या 72 महीने मंथ पर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमें D1 शेड्यूल और D2, D3 यानी ट्रिप शेड्यूल की कंडक्ट कराए जाते हैं। डिपो शेड्यूल यानी D1 की बात करें तो D1 हमारा 1 ट्रिप या वीकली किए जाते हैं। वहीं D2 की बात करें तो 1 माह प्लस माइनस 3 दिन पर कंडक्ट कराए जाते हैं। वहीं अगर D3 की बात करें तो ये हमारा 6 महीना प्लस माइनस 15 दिन पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर 12वें प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द मिनिमम हाइट ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोच जो हमारा होता है उसमें रेल लेवल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी 102 mm होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 13वें प्रश्न की बात करें तो डायमीटर ऑफ बफर प्लंजर फेस ऑफ ICF कोचेज, यानी ICF कोच के बफर प्लंजर फेस का व्यास कितना होना चाहिए। इसका सही उत्तर हमारा 457 mm, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वें प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक ऑफ ICF कोचेज, यानी ICF कोच में अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा 127 mm, जो कि हमारा मैक्सिमम होता है। वहीं अगर मिनिमम की बात करें तो ये हमारा 51 mm होता है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पिस्टन स्ट्रोक ऑफ लोडेड BCN वैगन, यानी लोडेड BCN वैगन का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी 130 mm, जो कि प्लस माइनस 10 mm भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 130 mm दिए गए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 16वें प्रश्न की, कंडमिंग हाइट ऑफ EM पैड इज, EM पैड की यानी इलेक्ट्रोमैटिक पैड की कंडमिंग हाइट कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 42 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, जो कि कंडमिंग पोजीशन पर है। वहीं न्यू डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये हमारा 46 mm होते हैं न्यू कंडीशन में। नेक्स्ट बात करें हम अगर 17वें प्रश्न की तो व्हाट इज द टॉयलेट वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट टैंक, तो इसका बायो टॉयलेट टैंक का कुल आयाम यानी इसका क्षेत्रफल वगैरह कितने होते हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा 400 लीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे मैथ से रिलेटेड, यानी 8^(x-1)=2x+3 था, जिसमें हमारा x का वैल्यू पूछा गया था। यहाँ पर 2^3 कर देंगे और x-1, फिर यहाँ पर 2 और x+3 तो ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पर बेस से बेस इक्वल हो जाने पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी x-1=x+3। यहाँ हमारा 3x हो जाएगा माइनस 3=x+3। इस केस में हमारा इधर 2x बच जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा x का वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा, यानी इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 3 आंसर हमारा x का मान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम अगर 19वीं प्रश्न की, तो थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोच के सोल बार की मोटाई कितनी होती है। इसका सही उत्तर हमारा 6 mm, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 20वीं की, द डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप इन LHB कोचेज इज, LHB कोच में ब्रेक इंडिकेटर पाइप का व्यास कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 10 mm हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ड्यूरिंग द ड्रॉप टेस्ट मिनिमम ड्रॉप परमिटेड इन एफपी ऑफ एलएचपी रेक इज, यानी एलएचपी रेक में फीड पाइप में अधिकतम प्रेशर ड्रॉप परमिटेड है, कितना हम कर सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हमारा 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा सही ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द चार्जिंग टाइम ऑफ सीआर इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोच में सीआर का चार्जिंग समय क्या होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 160 सेकंड हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मैक्सिमम टॉर्क इज रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोच में सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट के लिए अधिकतम टॉर्क वैल्यू कितनी आवश्यक होती है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 200 न्यूटन मीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 24वें प्रश्न की, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बोगी इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोच में दो बोगी के बीच सेंटर के बीच कितनी दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 14,900 mm हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द रूफ सीट ऑफ थिकनेस इन BCN ए वैगन इज 10 mm, इसका सही उत्तर हमारा 3.15 mm हो जाएगा, जो कि BCN वैगन की थिकनेस होती है। वहीं अगर ICF की कोच की बात करें जिसकी रूफ की थिकनेस हमारा 1.6 mm होता है, वहीं LHB की बात करें तो LHB में हमारा यह 1.25 से 1.75 तक हमारा इसका रूप का थिकनेस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि स्पीड लिमिट ऑफ ए क्लास ओडीसी ड्यूरिंग डे इज, तो डे के दौरान हमारा ए क्लास ओडीसी की स्पीड लिमिट हमारा ऑप्शन ए 40 किलोमीटर पर आवर तक होती है। नेक्स्ट बात करें हम 27वें प्रश्न की, तो सिलेंडर डायमीटर ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम, यानी जो एलएचबी में फीएट बोगी लगे होते हैं उस पर डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है हमारा, इसमें जो सिलेंडर लगे होते हैं उसकी हमारा डायमीटर यानी व्यास की बात की गई है, तो ये हमारा ऑप्शन बी 10 इंच के होते हैं। और इसकी अगर mm में बात करें तो ये हमारा 255 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द साइज ऑफ एंटी रोटेशन लग इज 10 mm, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 210 × 16 × 16 mm हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो कोटल लाइफ ऑफ ब्लैंकेट इज 10 मंथ्स, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 48 मंथ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द टोटल लेंथ ऑफ ICF XL इज 10 mm, यानी ICF XL की कुल लंबाई कितनी mm होती है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 2316 प्लस 0.5 से लेकर माइनस 0.0 mm तक होते हैं। नेक्स्ट यानी 31वीं प्रश्न की बात करें, तो द कैपेसिटी ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन गुड्स स्टॉक में कंट्रोल रिजर्वायर की क्षमता कितने लीटर की होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 6 लीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो व्हाट इज द मेंटेनेंस मैनुअल फॉर कैसनर बोगी, कैसनर बोगी का मेंटेनेंस मैनुअल डैश के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी G95 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व, जो BTPN सेफ्टी वैगन की सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर कितना होता है, तो ये हमारा 1.4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर सेफ्टी वाल्व की संख्या पर BTPN में इसकी संख्या बात करें, तो 01 की संख्या में सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं, जो उसके टॉप पर दोनों जो हमारा डोम कवर होते हैं उन दोनों के बीच सेंटर में लगा होता है, जो हमारा 1.4 केजी से ज़्यादा हमारा प्रेशर बनने पर उसको हमें चलते यानी रनिंग के दौरान प्रेशर को बाहर एग्जस्ट वातावरण में कर देते हैं। नेक्स्ट 34वीं प्रश्न की अगर बात करें, तो ऑन ICF जर्नल अ टेपर शुड नॉट एक्सटेंड 10 mm, यानी ICF जर्नल में टेपर 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 0.015
डिवाइडेड बाय 0.010 तक होना चाहिए, इससे मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो द ICF बफर प्लंजर इज मेड ऑफ, यानी ICF बफर प्लंजर किस मटेरियल का बना होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी यानी कास्ट स्टील का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यूज इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में, एक BLC वैगन में कितने ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक प्रयोग किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 8 की संख्या में होते हैं। नेक्स्ट बात करें 37वीं प्रश्न की तो चोक डाया ऑफ PEAB यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच के PEAB का चोक डाया हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी 19 mm के होते हैं। वहीं अगर ICF की अगर बात करें तो ये हमारा 8 mm का होता है। नेक्स्ट बात करें द कैपेसिटी ऑफ HR-40 ड्राफ्ट गियर इज डैश केजी मीटर, यानी HR-40 ड्राफ्ट गियर की क्षमता डैश केजी मीटर होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी 6200 kg होती है। नेक्स्ट बात करें इनक्लाइनेशन ऑफ स्लॉट इन बियरिंग पीस स्लॉट ऑफ ऑपरेटिंग हैंडल इज, यानी CVC ऑपरेटिंग हैंडल के बियरिंग पीस स्लॉट में कितना झुकाव होना चाहिए। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी यानी 15 डिग्री हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 40 की बात करें तो ओवरहॉलिंग ऑफ DB ऑफ बॉक्सन बैगन इज डन इन, यानी बॉक्सन बैगन DB की ओवरहॉलिंग कब की जाती है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी 4.5 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 41 की बीच पैकिंग इज यूज्ड इन कैसनाबोगी, यानी कैसनाबोगी में यह पैकिंग कितने mm के प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा यानी 12 mm और 37 mm की पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 42 नंबर प्रश्न की नकल पिन इज मेड ऑफ बीच क्लास स्टील, नकल पिन किस क्लास के स्टील की बनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 5th क्लास स्टील की बनी होती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 43 की तो 43 प्री लोड ऑफ ड्राफ्ट गियर इन एच टाइप कपलर इज डैश केजी न्यूटन, एच टाइप कपलर में लगे ड्राफ्ट गियर का प्री लोड डैश केजी न्यूटन होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी 30 kg न्यूटन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 44 की तो परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील्स डाया ऑफ सेम कैसनब बोगी ऑफ अ बैगन, यानी सेम कैसनब बोगी जैसे ही कहे। इसका सही उत्तर हमारा 13 mm ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें अगर सेम एक्सल पर अगर बैगन में पूछे तो सेम एक्सल पर हमारा 5 mm, अगर सेम बोगी पर पूछे तो ये हमारा 13 mm, वहीं सेम बैगन में अगर पूछे तो ये हमारा 25 mm होते हैं। ऑल डायमेंशन इन mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें प्रूफ लोड कैपेसिटी ऑफ इनहेंस स्क्रू कपलिंग, इनहेंस स्क्रू कपलिंग की प्रूफ लोड कैपेसिटी 10 टन की होती है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी यानी 75 टन की होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 46 की द फिएट बोगी इज कैपेबल टू नेगोशिएट द कर्व ऑफ 10 डिग्री एट द स्पीड ऑफ, फिएट बोगी 10 डिग्री कर्व पर भी कितने स्पीड पर चलने के लिए सक्षम है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 60 किलोमीटर पर आवर तक चलने के लिए सक्षम है अगर 10 डिग्री कर्व पर भी हमारा LHB कोच हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम अगर 47 की तो कैपेसिटी ऑफ इंटरमीडिएट टैंक यूज्ड इन फोर CDTS, CDTS में लगे इंटरमीडिएट टैंक की क्षमता कितनी होती है। 10 लीटर की होती है तो ये हमारा ऑप्शन बी 50 लीटर का हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें हम अगर पोजिशन ऑफ CVC नकल नोज ब्रोकन आफ्टर बियर इज कॉल्ड, CVC नकल नोज बियर होने के उपरांत टूटने पर डैश जोन के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा डी जोन यानी ऑप्शन नंबर डी यानी डी जोन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न सब लगभग 10 प्रश्न इसमें अंग्रेजी से रिलेटेड पूछे गए थे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था एंटोनिम रैबिट का, जिसका रैबिट का हमारा मीनिंग होता है उन्माद। तो इसका सही उत्तर सोबर यानी समझदार, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है।
वहीं अगर 50% की बात करें तो साइनोनिम्स ऑफ जर्मिनेट, जर्मिनेट का सही मीनिंग अंकुरित करना होता है। इसका साइनोनिम यानी समान अर्थ वाले पूछे गए थे तो स्प्रॉट, स्प्रॉट का सही उत्तर हमारा अंकुरित करना यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए पैटरी, तो पैटरी का मित फुअर होता है यानी फुअर, इसका साइनोनिम्स की अगर बात करें तो स्लोभिली, जिसका मीनिंग भी हमारा फुअर ही होगा यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे साइनोनिम ऑफ स्टेरलाइट, स्टेरलाइट की साइनोनिम्स की अगर बात करें तो स्टेरलाइट की मीनिंग हमारा खुशी होता है और ऑप्शन डी हमारा हैप्पीनेस, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन मीन्स कोई चीज़ में अधिकता होना, ये हमारा प्रोफ्यूजन मीन्स अधिकता, इसका सही उत्तर हमारा एंटोनिम्स स्कार्सिटी यानी कमी, किसी चीज़ में कमी होना। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें 54 नंबर की तो एंटोनिम्स ऑफ ऑब्सकर, ऑब्सकर मीन्स हमारा होता है कोई चीज़ अस्पष्ट होना, और उसी के अगर हम बात करें एंटोनिम्स की तो एक्सप्लिसिट की सही उत्तर हमारा अस्पष्ट, कोई चीज़ हमें अस्पष्ट दिख रहा हो। नेक्स्ट इसके अलावा अगर नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया था आवर टीचर, आवर सर टीचेज मैथमेटिक्स बेसाइड्स मतलब के अलावा, यानी मैथमेटिक्स के अलावा इंग्लिश भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए थे प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स, इसका सही उत्तर यानी प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स यानी काफ़ी सारी गलती करने को बंद करें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो डू नॉट क्राई डैश स्पाइट मिल्क, तो यानी हमारा बेवजह हल्ला करना यानी ऑप्शन बी यानी ओवर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी डू नॉट क्राई ओवर स्पाइट मिल्क हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट बात करें 58 की एंगल इज फेमस डैश इंग्लिश इन जेस्टन, जेस्टन एक गुजरात की सिटी है, वहीं एंगल इज फेमस इन इंग्लिश, यहाँ है हमारा फेमस फूड हो जाएगा यानी जेस्टन जो हमारा फेमस है वो हमारा इंग्लिश के लिए फेमस है यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 59 की बात करें बिफोर यू गिव आंसर, आपके आंसर देने से पहले ही हैड सेंट टू देमस उसको भेज दिया गया, यानी ये हमारा पास्ट प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, वहीं ये पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, दोनों एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, तो इसमें हमारा वर्ब का सेकेंड रूप और यहाँ पर वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश इज डैश ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी इज स्पोकन यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 61 नंबर की तो मैथ से रिलेटेड पूछा गया था जिसको वह सोल्व करते हैं 8³ और 8² स्क्वायर इनटू ये हमारा बटे में चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, ये आप देख सकते हैं 3² हो जाती है और 5 से 5 काटने पर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हमारा ऑप्शन ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि द एवरेज फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो 50 फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का हमारा संख्या का औसत क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 50 फर्स्ट 50 नेचुरल संख्याओं का सम अगर बात करें तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, वहीं अगर 50 का अगर निकालना चाहे तो 51 हो जाएंगे a और 2 से तो हमारा a 12 75 हमारा टोटल सम निकलेगा, और इसे हम 50 टोटल संख्या से डिवाइड करते हैं अगर ये हमारा 25.5 आ जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करी 63 की तो 7 के 5 अगर नीचे जाते हैं और 7 ये हमारा ऊपर जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये तो हमारा 7² सही है और 7⁵ पॉजिटिव में आ जाएंगे और 7³ हमारा पहले से ही है, आप देख सकते हैं 5 3 8 हो जाएगा जो हमारा 8 से 8 कट जाएंगे और 7² हमारा बच जाएगा, जिस यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें यानी 1 2/3 2 1/3 2 2/3 और -4 1/3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको तोड़ने पर हमारा 3
और 2 यानी 5 बटा 3 आ जाएगा, प्लस 3 2 यानी 7 बटा 3, और यहाँ पर तोड़ने पर 8 बटा 3, और इसको तोड़ने पर हमारा 9 बटा 3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 7, यहाँ पर टोटल हमारा 11 बटा 3 आ रहा है, जिसको डिवाइड करने पर हमारा 3 पूर्णांक 2 बटा 3 यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट बात करिए 65 नंबर की, तो टेन एक्स इक्वल टू साइन 45 पॉइंट कॉस 45 और साइन 33। यहाँ पर अगर साइन की अगर बात करें 40 तो 1/√2 होता है, और कॉस का भी 45 का वैल्यू √2 होता है, प्लस ये हमारा 1/√2 हो जाएगा। √2 का √2 से गुना होने पर 1/√2 आ जाता है, पहले से 1/√2 है यानी ये हमारा 1 हो जाएगा, जो कि टेन में एक्स में हमारा 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 66 नंबर की, तो 8 64 का पावर अगर निकालेंगे तो 8 प्लस ये 289 17 का स्क्वायर होता है, ये ऑलरेडी हमारा 25 है, तो 25 यानी 5, और वहीं 17 में से अगर 8 हटाते हैं तो ये हमारा 17 8 25 हो जाता है। वहीं 17 में से अगर 3 हटाते हैं यानी 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इफ 2√3 इंटू ए और 2 − √3 इंटू बी, देन 1/b प्लस 1/a का वैल्यू कितना होगा, तो इसका सही उत्तर निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/2 + √3 आप लिख सकते हैं, प्लस 1/2 − √3 लिख सकते हैं, दोनों को गुना करने पर आप ये पाएंगे कि 1 नीचे आ जाता है, और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएंगे और माइनस प्लस कट जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, देन 1 − 1/a² − bc + 1/b² − ca + 1/ca² − ab पूछा गया था, इसका वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पर आप सबसे पहले कर सकते हैं कि दो वैल्यू को एक साथ रख कर इसको राइट साइड में कन्वर्ट कर दें, फिर ये दोनों को रख कर इसको राइट साइड में कन्वर्ट कर दें, फिर ये दोनों को रख कर इसको हमारे राइट साइड में यानी तीनों को एक एक करके कर दें, फिर यहाँ पर जो वैल्यू पुट किए गए हैं उसको अनुसार आप पुट कर दें, फिर आप पुट करने पर पाएंगे कि तीनों संख्या यानी ए बी और सी कॉमन आ रहे हैं, इस केस में दोनों को बाहर कर दें और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और आप जानते हैं कि इसका वैल्यू हमारे को 0 यहाँ पर ऑलरेडी पुट कर रखा है, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे और किसी संख्या को 0 से भाग देने पर ऑलरेडी 0 ही आता है, इसलिए हमें हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आप माइनस को भूलकर इसका क्यूब रूट निकाल ले, इसका सही उत्तर 24 − 24 हो जाएगा। वहीं इसको अगर आप तोड़ते हैं 1 + 1/4 को तोड़ते हैं तो ये आपको 5/4 आएगा, वहीं आपको अगर इसका वैल्यू तोड़ते हैं आपको 19/5 आएगा, वहीं आपको 1/2 + 1/3 को तोड़ते हैं तो 43/19 आएंगे। इसको टोटल तोड़ने पर आपको इस वाले पार्ट्स में आपको 1/90/43 आते 43/19 आएगा, फिर आपको सोल्व करने पर 19/43 + 19/43 आ जाएगा, इस केस में आपका 38/43 आपका सही उत्तर यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वही बात करें 71 की, तो आप देख सकते हैं कि कोई 2 वर्ष में इतना हो जाता है 1.1449 टाइम्स हो जाता है, तो उसकी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल अगर 100 लेते हैं तो ये हम 10,000 लेंगे तो टोटल आपका 11,049 रुपये हो जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि 107 का स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें हमारा 7% हमारा यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
ये आपको जो दिख रहे होंगे लंबे चौड़े कैलकुलेशन, इसमें सिंपल सा किया गया है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर फॉर्मूले को बैठा दिया गया है, जिसका अगर बात करें तो ए माइनस बी वहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी पर बैठा दिया गया है। यानी सारे आपको यहाँ पर ए क्यूब नज़र आएंगे, ये बी क्यूब नज़र आएंगे, बी क्यूब नज़र आएंगे, और यहाँ पर ए बी बी सी और यहाँ पर बी स्क्वायर आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर आप a माइनस बी कर दें सिंपल सा, तो आप जान सकते हैं कि 4.75 में से आप 3.2 घटाएंगे तो आपका सिंपल सा 1.50 उत्तर आ जाएगा, यानी आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी यानी 1.5 होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाई, ध्वनि की पिच को किससे मापा जाता है, तो ऑप्शन सी यानी फ्रीक्वेंसी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, सिलिकॉन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इसका सही उत्तर हमारा मेटलॉइड यानी अधातु हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 75 की, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन एग्जांपल ऑफ, तो इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन बी यानी बेस यानी सार हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर विनेगर इज कंटेंस, विनेगर में क्या होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी एसेटिक एसिड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 77 की, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरासाइट प्लांट्स, उनमें से परजीवी पौधा कौन सा है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी मशरूम हो जाएगा। 78 की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर वाज इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर की खोज किस वर्ष की गई थी, तो ऑप्शन डी यानी 1955 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर 79 की बात करें, तो द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द स्पाइनल नर्व यानी स्पाइनल नर्व में कितने पेयर्स होते हैं, तो ऑप्शन बी यानी 31 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 80 प्रश्न की बात करें, द केमिकली फैट्स एंड ऑयल्स आर, रासायनिक तौर पर फैट्स एवं ऑयल्स क्या है, द ट्रीस्टर्स यानी ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 81 की बात करें, द परसेंट ऑफ प्लाज्मा इन द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन द ह्यूमन बॉडी इज अबाउट, व्यक्ति के कुल रक्त का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 55% होता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनमें से किसका गलनांक सबसे कम होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी पोटेशियम हो जाएगा। यानी अगर इसकी गलनांक की अगर बात करें 83 की, तो 82 की, तो पोटेशियम लीड की अगर बात करें तो इसकी गलनांक हमारा 327 डिग्री होता है। वहीं अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम का 180 होता है। वहीं अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का 63 सेल्सियस होता है, लेकिन सोडियम की अगर बात करें तो ये हमारा 98 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सबसे लोएस्ट हमारा पोटेशियम होता है, जिसका सही उत्तर हमारा 63 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि काफ़ी लोएस्ट इसका हमारा सेल्सियस होते हैं। नेक्स्ट बात करें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम, मीन ध्वनि की गति न्यूनतम होती है, तो ये हमारा भैकम यानी निर्वात में सापेक्ष न्यूनतम हमारा होता है। 84 की बात करें, तो एकेसिया अरेबिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, यानी एकेसिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नेम है, ऑप्शन सी यानी बबुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ क्लास ऑफ बी क्लास फायर के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, तो बी क्लास में हमारा ग्रीस यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर बात करिए कि ए क्लास में क्या क्या आते हैं, तो ए क्लास में हमारा पेपर वगैरह, पेपर, वुड, क्लॉथ, कपड़े वगैरह आते हैं। वहीं अगर बी क्लास की बात करिए, तो बी क्लास में हमारा अल्कोहल, इथर, वाइल, ग्रीस, गैसोलीन वगैरह आते हैं। वहीं अगर क्लासिक फायर की बात करें, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितने भी आते हैं वो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा इसमें पूछा गया था क्लास बी का, इसलिए हमारा ऑप्शन सी ग्रीस हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
वहीं अगर 86 की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेट आर यूज्ड व्हाइल इनिशिएटिंग एक्शन अगेंस्ट एनी रेलवे एम्प्लॉय अंडर डीए रूल्स। डीए रेलवे कर्मचारी के विरुद्ध कर्मचारी के डी आर रूल के 1968 के तक कितने मानक फॉर्म होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी 11 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें पैटर्निटी लीव इज इंट्रोड्यूस्ड, पैटर्निटी अवकाश कब से लागू किया गया था, तो ये हमारा ऑप्शन ए 7 अक्टूबर 1997 से लागू किया गया था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर 88 की बात करें तो लीव नॉट ड्यू फॉर टैक्स इज एलिजिबल फॉर रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस, रेलवे कर्मचारी को पूरे सेवा काल में डैश लीव नॉट ड्यू दी जा सकती है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 360 डेज यानी 1 ईयर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इन लोडेड कंडीशन ऑफ वैगन एपीएम डिवाइस यानी ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस एडजस्ट टू गेट डैश केजी सेंटीमीटर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर, यानी वैगन की लोडेड अवस्था में एपीएम डिवाइस ब्रेक सिलेंडर में 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर मेंटेन करने में सहायक होते हैं, इसका सही उत्तर हमारा 3.8 ± 0.1 हमारा सही उत्तर यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर एमटी की बात करें तो एमटी में हमारा 2.2 ± 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा होता है। नेक्स्ट अगर बर्न्स की बात करें 90 की, बिच अंडर बिच रूल ऑफ डीएआर इज इंक्वायरी ऑफिसर नोमिनेटेड, अनुशासन अपील के नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के अंतर्गत की जाती है, ऑप्शन ए यानी रूल 7 के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट आरओएच बॉयल वैगन, यानी फर्स्ट जो हमारा बॉयल वैगन का प्रथम आरओएच कितनी अवधि पर की जाती है, इसका सही उत्तर हमारा 12 मंथ यानी 1 ईयर पर की जाती है। वहीं फर्स्ट पीओएच की बात करें तो ये हमारा 3 ईयर पर किए जाते हैं। अगर 92 की बात करें तो व्हाट इज़ द कोड ऑफ वैगन 284NF रेलवे, एनएफ रेलवे के लिए 2 डिजिट के वैगन का क्या कोड होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 05 यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 93 की बात करें तो व्हाट इज द बियर लिमिट ऑफ फ्रिक्शन बेज वर्टिकल सरफेस इन कैसना बोगी, यानी कैसना बोगी में फ्रिक्शन बेज वर्टिकल सरफेस की बियर लिमिट कितनी होती है, इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 7 mm हो जाएगा। वहीं अगर स्लोप सरफेस की बात करें तो ये हमारा 3 mm के होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि व्हाट इज द फ्री हाइट ऑफ इनर स्प्रिंग इन कैसनव 2022 बोगी, यानी कैसनव 22W बोगी में इनर स्प्रिंग की फ्री हाइट कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी यानी 262 mm के होते हैं। इसके अलावा अगर इस इनर स्प्रिंग के ही अगर फ्री हाइट की अगर बात कर ले, अगर कंडम हाइट की बात करें तो ये हमारा 247 mm के होते हैं। वहीं इसके अलावा अगर आउटर स्प्रिंग की बात करें तो आउटर स्प्रिंग में न्यू की बात करें तो 295, वहीं अगर कंडम की बात करें तो 260 हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर स्नबर स्प्रिंग की बात करें इसमें भी न्यू कंडीशन में हमारा 294 mm, वहीं अगर कंडम की बात करें तो 279 mm हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 95 की बात करें तो व्हाट इज द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ बोस्ट बैगन, यानी बोस्ट बैगन की क्यूबिक कैपेसिटी कितनी होती है, तो ऑप्शन बी यानी 65.79 meter की हमारा सही उत्तर यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें व्हाट इज द आरडीएसओ पब्लिकेशन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सीबीसी फॉर द लाइन स्टाफ, इंस्पेक्शन एवं मेंटेनेंस ऑफ सीबीसी फॉर लाइन स्टाफ का आरडीएसओ प्रकाशन क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी G76 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर 97 प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोच के भीतरी व्हील्स की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 112,345 mm यानी ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें 98 की, द टॉर्क वैल्यू फॉर एंड कैप स्क्रू इन व्हील ऑफ वैक्सन वैगन के व्हील में एंड कैप स्क्रू को लगाने के लिए टॉर्क वैल्यू का मान कितना होता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी 40 केजी मीटर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 99 की, द हाउ मेनी डेज आर स्पेशल सीएल इज ग्रांटेड टू मेल एम्प्लॉई फॉर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, यानी किसी कर्मचारी के लिए बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए कितने दिनों का स्पेशल आकस्मिक अवकाश दे होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 6 दिन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, व्हेन मैटरनिटी लीव केम इनटू एग्जिस्टेंस अप टू 180 डेज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम मैटरनिटी अवकाश 180 दिन का कब से लागू किया गया था। तो ए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए 208 दिन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था हमारा राजकीय भाषा से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया था संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति रेल कर्मचारी कार्यालयों का निरीक्षण करती है। तो इसका सही उत्तर हमारा दूसरी हमारा उप समिति होती है वो कार्यालयों का निरीक्षण करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विकास का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी आर्टिकल 351 यानी अनुच्छेद 351 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रेलवे बोर्ड द्वारा काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं रेलवे बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजभाषा नियम के अनुसार दमन और द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी यानी ख क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 105 प्रश्न की बात करें तो किसी कार्यालय में कितने % कर्मचारी के हिंदी का कार्य साधक ज्ञान रखने पर अधिसूचित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी यानी 80% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के तहत किसी कार्यालय को हिंदी में काम करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर 8-4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, रेलवे बोर्ड द्वारा तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार हमारे तकनीकी क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें 108 की, संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी 1968 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं 109वें प्रश्न की बात करें तो वैज्ञानिक द्वारा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए 1961 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नगर राजभाषा कार्यावरण समिति की बैठक की अवधि कितनी होती है। तो हमारा प्रत्येक 6 माह पर किए जाते हैं। वहीं पर साल की बात करें तो 2 टाइम्स इसका बैठक किए जाते हैं यानी 2 बार किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।